तो अभी देखो फिलहाल चालू मटन का, और आज हम तुलजा भवानी का मंदिर करने वाले। ये देखो ये तो इसका अभी डाई डालने वाले, ये कमा नहीं, और ये उसका पिलर है तो इसका भी हम डाई डालने वाले। वो डाई का पूरा प्रोसेसिंग मैं आपको दिखाऊंगा। और ये हम मंदिर हमको परसों तक पूरा फाइनल करके देने का है। और इसको हम भारी वाले रेजिन यूज करने वाले। ये नीला वाला कैंड है, सब हम काले वाले कैंड यूज करते थे, अब ये नीला वाला कैंड है। ये बहुत भारी वाला इंडस्ट्रियल जॉब के लिए ये रेजिन यूज करते हैं। तो इसका वीडियो तो आपने देखा ही होगा। और इसका मैं पूरा फिटिंग का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। बाहर हमारे भोलेनाथ की मूर्ति आ गई है। ये भोलेनाथ की मूर्ति है, दशहरा तक कम से कम दो मूर्ति हमको देने का है, उसका भी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं अभी इसके डाई के ऊपर। फर्स्ट कोट है अभी जो रेड वाला हम मार रहे, फर्स्ट कोटिंग है। और पूरी फास्ट मतलब फास्ट करना पड़ता है इसको, क्योंकि नीचे का पीस इसको चिपकना नहीं चाहिए। और मैं पिलर को वैक्स लगा रहा हूँ, क्योंकि वैक्स से फाइबर को फाइबर चिपकता नहीं है। वैक्स लगाने से उसका डाई बन जाता है। We'll be right back.
था पूरा, ये देखो। तो अब इसको खोलना है और इसको कटिंग करके खोलना है। तो बाहर जाके इसका कटिंग करेंगे और मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा इसका रिजल्ट कैसा आता है ड्राई करके। चलो तो इसको खोलते हैं फिलहाल।
शाम के 6 बजे अभी छः, तो इस कटाई अभी हो गए। ये देखो थोड़ा काफ़ी टूट फूट गए, पिलर का बिटाई हो गया पूरी तरह से फाइंड आए हैं। और कल से अभी प्रोडक्शन चालू करने वाले, तो कल पूरा प्रोडक्शन हो जाएगा और फिटिंग भी हो जाएगा। कल की वीडियो में मिलते हैं। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक ज़रूर करना।